भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जगतगुरु परमहंस आचार्य ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। केंद्र सरकार को तालिबान से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत देश को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो जल समाधि लेंगे। जगतगुरु परमहंस ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के इस देशव्यापी अभियान से लाखों लोग लगातार जुड़ रहे हैं। उन्होंने राजस्थान हिंदू संगठनों से 1 अक्टूबर को अयोध्या में होने वाली हिंदू सनातन धर्म सभा में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान राष्ट्र निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक भी उपस्थित रहे। लंबा संघर्ष किया, यही मुसलमान कहते थे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसको हम लोग मानेंगे, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि वहां बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। जिसको देश की सर्वोच्च अदालत का सम्मान नहीं है, ऐसे मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। यहाँ के मुसलमान जो है जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने की तैयारी करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं जगतगुरु परमहंस आचार्य डिमांड करता हूँ कि देश को पार्टीशन से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। क्योंकि जिस गाँव जिस शहर में हिंदू ज्यादा है उनके बीच में अगर एक भी मुसलमान है वो सम्मान से है, लेकिन जहां 30% मुस्लिम हो गए हैं वहां से अन्य धर्म के